नमस्ते मामा, अंदर आ जाऊं? नहीं 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 नहीं, तू 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 अंदर नहीं आ सकता। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तू 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 जाना जा। क्या हुआ? अरे अरेश, क्या हो गया? क्या? कुछ नहीं। अपने जला भूसु को जो ये दीप सही कहता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब भी पड़ती है अच्छे अच्छे इंसानों को अंदर से तोड़ देती है। इंसान लाख चाह कर भी अपने पापों से भाग नहीं सकता, उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। हमारा प्रेम, प्रेम की हरकत, ये मेरे पापों की सजा है। मुझे कोई कानून गोली नहीं मारेगी, मुझे मेरे बेटे की करतूत मार डालेगी, देखता। आप प्रेम की गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अरे तू गलती नहीं, देखिए आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पति हैं और एक अच्छे भाई भी। 30 साल गुजारे हैं मैंने आपके साथ, हर रूप देखा है मैंने आपका, आपने हर फर्ज बखूबी निभाया है। प्रेम की परवरिश में कहीं मुझसे ही भूल हो गई है? अरे नहीं नहीं सरला, तू तो बहुत अच्छी माँ है, तूने प्रेम की परवरिश बराबर की है। मैं ही दुनियादारी में कहीं घर परिवार को भूल गया। आप में से किसी की कोई गलती नहीं है। काकी, गलती सिर्फ हालात की है, प्रेम की गलती सिर्फ इतनी सी है कि वो आप दोनों से बहुत प्यार करता है और आपके प्यार पे सिर्फ अपना हक समझता है, और अगर कोई उस हक के बीच में आए तो वो सही और गलत का फर्क नहीं समझता। काका, आप सचमुच सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ना, तो हमें प्रेम को उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा, और यह एहसास उसे खुद से दूर रखकर या इस घर से निकाल कर नहीं दिला सकते, बल्कि अपने पास बैठा कर प्यार से समझा कर करना होगा। बेटा, हमारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़। आप चाहते हैं ना मैं खुश रहूं? तो बस काका, मेरी खुशी इसी में है कि आप लोग प्रेम को माफ कर दें। हम तो उसे माफ कर देंगे, लेकिन तू उसे माफ कर पाएगी? काका, मेरी माफी की बात तो तब आएगी ना जब प्रेम को उसकी गलती का एहसास होगा, और जिस दिन ऐसा हुआ मैं उससे अपने आप हिसाब ले लूंगी। लेकिन तब तक आप लोग का ये सैड सैड चेहरा बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरी मुस्कान आप लोग के आंसुओं का रीजन बिल्कुल नहीं बनेगी। तो नो आंसू, ओनली स्माइल। ये देख, ये किस तरह की बेवकूफी है? ये क्या है दाना, इतना नुकसान? अरे हिसाब किताब ठीक से नहीं कर सकते हो तो नौकरी छोड़ दो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुझे। अरे इस तरह से हिसाब करता है कोई? काका, आप देखिए और बताइए, क्या आज से पहले इस घर का माहौल इतना खराब हुआ है? काका, प्रेम ने मेरे साथ गलत किया और आपने उसे सजा भी दी, पर वो सजा आप लोग भुगत रहे हैं जो मैं होने नहीं दे सकती। काका, प्रेम के जाने से इस घर की खुशियां चली गई हैं। आनंद काका को देखिए, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, आज सिर्फ गुस्सा है। काका, आपका इंसाफ बराबर होना चाहिए ना, आपने मेरी खुशी की चिंता की
पर आपके परिवार की खुशियों का ख्याल रखना आपका ही फर्ज है ना। कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गई। काश तू मेरी बेटी होती। ये हमारी बेटी ही तो है। बिल्कुल काकी, मैं आपकी बेटी ही हूँ और हमेशा रहूंगी। इस परिवार के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अरे 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 मोटा बहन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चुपचाप बैठे रहो। मोटा बहन, मुझे क्या लगता है इनके दिमाग में ना गर्मी चढ़ गई है। देखो कैसी फालतू हरकतें कर रहे हैं। ठीक कह रही है, ऐसा करते हैं इसके लिए कुछ ठंडा बना के लिया। ठीक है, चल ये तेज ले जाओ। अरे ऐसे तो भी तेरा कुछ नहीं है। मैंने टीवी में देखा था प्रेम को, पता नहीं क्यों आया था इधर। अरे बाबा, अरे बाबा बाबा। अरे तो फिर से आ गया मेरे कमरे में क्यों आ रहा है भाई? ये झूठ है भाई। एक बार मैं बोल के खत्म कर ना। अरे बाप रे, ए ए भाई, ए ऐसे मिस्टर इंडिया की तरह आ जा करके मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ा रहा है? बोलना क्या चाहिए तुझे? मामा जी, मेरे मिस्टर इंडिया बनने से आपके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है। सोचो कि अगर मैं आपकी बहन को लेकर राजपिपला चला गया या वहां से कोई झूठा फोन करवा दिया, तब क्या होगा? अज्जू, प्रेम भाई किधर है? पता नहीं मतलब वो कल की लड़की इस घर में परमानेंट जगह बना रही है और तुम दोनों को फिक्र नहीं है। वहाँ प्रेम भाई भी गायब है और तुम दोनों पिकनिक मना रहे हो। आपको तो पता है प्रेम भाई अपनी मर्जी के मालिक हैं। क्या पता कहाँ है, इसलिए टेंशन छोड़ो और पूल में कूद पड़ो। इसी बहाने आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे छुपा छुपी क्यों खेल रहा है? बोल देना भाई। हेलो जी, मैं DSR कॉलेज राजपीपला से बोल रहा हूँ। आप तेजस्विनी की माँ शारदा मेहता बोल रही हैं? जी सही है। जी दरअसल आपको बताना था कि आपकी बेटी तेजस्विनी सीढ़ियों से गिर गई। क्या? उन्हें काफी चोट लगी है, तो आप जल्दी से जल्दी कॉलेज राजपीपला आ जाइए। अरे ये क्या किया भाई तुमने? हितेश, कसम, हितेश, क्या हुआ? तेजस्विनी गिर गई, उसको चोट लग गई। हे भगवान, मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या किया तूने? हितेश, दरवाजे खोलो। हितेश दरवाजे खोलो। इसने किया था ऐसे? ए भाई लेटना नहीं है, तुझे जाना है, प्लीज जाना यहाँ से। देख मोटा बहन अभी आ जाएंगे, तो प्लीज यहाँ से चला जाना। जैसे बाहर गायब हो गया था यहाँ से भी गायब हो जाना प्लीज। अब तुम्हें यहाँ से गायब नहीं हो सकता मामा जी। दरवाजे खोलो। ओके, तो मेरे गायब होने वाली मशीन थी ना, वो खराब हो गई। आपने और आपकी भांजी ने मिलके मेरी बहुत बैंड बजा ली मामा। अब मेरा टर्न। क्या कर रहा है हितेश, जल्दी दरवाजा खोल। राजपीपला से फोन आया है, बहुत तेजस्विनी गिर गई है। ए भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चला जाना, नहीं तो यहाँ तूफान आ जाएगा। तूफान ही तो खड़ा करने आया हूँ मामा। अब आप देख लो, संभाल सको तो संभाल। हितेश जल्दी दरवाजा खोलो। जाओ जाओ दरवाजा खोलो। नहीं प्लीज 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 मत जाना। ए भाई प्लीज।
ये लड़का कौन है? तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? आंटी तेजस्विनी को कुछ नहीं हुआ, आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे पता? हम बाहर चलकर बात करें, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। ये तेजस्विनी के घर में मेहमानों को सम्मान नहीं मिलता है क्या? ठीक, चलिए। वही लड़के हो ना जो पहले भी आए थे? जी हाँ जी आंटी, मैं पहले आया था। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम प्रेम है और मैं राजपीपला में रहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने के लिए? पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तेजस्विनी को कुछ नहीं हुआ, वो पुलिस का नाम लेकर अंदर मामा जी के कमरे से मैंने ही फोन किया, पर मेरी वजह से आप लोग खामखा परेशान हुए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आंटी, फिलहाल तेजस्विनी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, उसको चोट नहीं लगी, पर बहुत जल्दी उसे बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको पूरी बात विस्तार में बताता हूँ। वो क्या है ने? अभी दरवाजे पे पहली घंटी मैंने ही बजाई थी, बट मामा जी ने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, तो ये था तुम्हारा हवा का वेग? तब इन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया, तब मुझे समझ में आया कि मामा जी ये नहीं चाहते हैं कि सच सबके सामने आए। पर वो क्या है ना आंटी, मेरे संस्कार और मेरी परवरिश मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देती। मेरी माँ ने बचपन से मुझे एक ही चीज सिखाई है कि अपने माँ पापा के सामने कभी कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि आपको सब कुछ सच सच बताना मेरा फर्ज है और इसीलिए मैं आया हूँ। पर मामा तो मुझे सबके सामने आना ही नहीं दे रहे थे, इसलिए जबरदस्ती मुझे वहाँ खिड़की से कूद के आना पड़ा। वो तो वहाँ से भी मुझे वापस भेज रहे थे, कह रहे थे बाहर चले जाओ। मैंने मामा जी को बहुत समझाया, मैंने मामा जी आपको कहा था कि सच को कितना भी छुपाओ सच नहीं छुपता है कि नहीं? आज कल परसों सामने आ ही जाएगा। बोलो आ गया नहीं सामने? हितेश क्या कह रहा है लड़का? वो मोटा बहन। तुम जानते हो इसे? नहीं, वो मोटा बहन। आंटी मामा जी कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हें अगर बोलना होता तो ये बहुत पहले ही बोल चुके होते। आप मेरी बात सुनिए, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, आप चलिए मेरे साथ और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपकी बेटी कॉलेज में वहाँ क्या गोल खिला रही है। तो आंटी आप चल रही है ना मेरे साथ राजपीपला? बताइए ना आंटी, आप चलेंगी ना मेरे साथ राजपीपला? हाँ, मैं चलूंगी। तेजस्विनी मेहता, अब तो तेरा भाटा फूटा ही फूटा। एक बात तो है मोटा भाई, बहुत समझदार है ये बच्ची। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है दिव्य। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और भाभी मैंने ना ऐसी संस्कारी लड़की सिर्फ टीवी और फिल्मों में देखी है, तुम रियल में भी ऐसी लड़की होती है, विश्वास नहीं होता मुझे तो। काका मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो क्या मैं कॉलेज जाऊँ? संभल कर जा। जी चलती हूँ। जी मामा जी। अरे बेटा इधर है ना, सब गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ मामा जी? अरे वो प्रेम इधर आ गया है और उसने ना मोटा बहन को सब बता दिया कि राजपीपला में ना कुछ गड़बड़ चल रहा है।
और वो हम सबको लेकर वहां आ रहा है। क्या तेजस्विनी, क्या हुआ? तेजस्विनी मेहता, तेरा खेल खत्म। तेजस्विनी मेहता, आ रहा हूं तेरी मां को लेकर राजपीपला। मुझे मेरे अपनों से दूर किया ना तूने, अब तेरी बारी, अब तू भुगत। याद रख, अगर मेरा परिवार मेरा नहीं हो सकता ना, तो तेरे परिवार को भी तेरा नहीं होने दूंगा। चले। अभी माफ कर दूं? इंस्पेक्टर, ये चेक पोस्ट हटा और मुझे जाने दे। क्यों? तू कोई मिनिस्टर है क्या? दूसरी गाड़ियां खड़ी है ना लाइन में, चल पाछड़। इंस्पेक्टर, चुपचाप खड़ा हो जा। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दे। तो एक काम कर, गाड़ी हवा में उड़ा और चला जा। लगता है तू इस एरिया में नवा है, मुझे पहचानता नहीं है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। लगता तो इंसान का ही बच्चा है, फिर भी बता दे तू है कौन। धर्म सिंह राठौड़ का बेटा, प्रेम सिंह राठौड़। ओ, तो तू उस गुंडे का बेटा, एक गुंडे का बेटा होकर पुलिस वाले को धमकी दे रहा है। तुझे पता है कि मैं कौन हूं? बेटा अब वो जमाना नहीं रहा जहां पुलिस वाले एक गुंडे के नाम से डरते थे, समझा? और तेरा बाप कोई साधु महात्मा नहीं है, एक गुंडा है, और तू गुंडे का बेटा। तेरी तो पहले अच्छे से तलाश लेनी पड़ेगी, कहीं तू भी अपने बाप की तरह कुछ गलत काम करके तो नहीं भाग रहा। इंस्पेक्टर! हे भगवान, ये लड़का तो पुलिस वालों को मारने लग गया। चलो नितेश, चलकर उसको रोकते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मोटा बहन, आपको इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आप गाड़ी में बैठो, मैं देख कर आता हूं। हाथ उठाया उसने बात। ठीक है, तो अब उस इंस्पेक्टर को इशारा कर दो। तेरी इतनी हिम्मत, एक पुलिस वाले पर हाथ उठा दे, चल अंदर, बंद करो उसको अंदर। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दे, वरना क्या हा? अपने बाप की धमकी देगा? डालो अंदर इसको, मेरी तो हैगड़ी उतारता हूं मैं, डालो अंदर। नितेश, अरे मोटा बहन, चलिए चलिए, हमको है ना ये पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम सीधा हॉस्टल चलते हैं। आपको वैसे भी तेजस्विनी से मिलना है ना, है ना? चलो चलो।
माँ, मामा जी, आप दोनों यहाँ अचानक कैसे? माँ, अगर आपको मेरी इतनी याद आ रही थी तो मुझे बता देते, मैं आ जाती। आपने क्यों तकलीफ की? सॉरी माँ, आपको मुझे बताना था ना आप आ रहे हो। कम से कम मैं रूम तो साफ रखती, सब कुछ फैला के रखती। देखिए ना माँ, मुझे सब कुछ करना पड़ता है। हमारे घर कोई लड़का आया था तीजू, प्रेम। वो किसी सच की बात बोल रहा था जो मैं सिर्फ तुझसे सुनना चाहती। बोलो तेजस्वी, वो लड़का हमारे घर क्यों आया था और वो क्या सच बताना चाहता है?